असलम रिजवान जमील बात कर रहा हूँ, फाउंडर ऑफ वर्ड्स विजन एंड वाइटैलिटी। इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है लाहौर में और बहुत खूबसूरत मौसम है। अब ये जो हल्की बारिश है इस पे बेस्ड वीडियो है कि जब हल्की बारिश हो रही है तो कार ड्राइवर्स को और ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलिस्ट को मोटरसाइकिल बड़ी दरमियानी स्पीड पे चलानी चाहिए, बल्कि स्लो चलानी चाहिए, चूँकि स्लिप होने के और स्किड होने के मोटरसाइकिल के स्किड होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मोटरसाइकिल को बड़े ध्यान से स्लो चलाएं, मुनासिब स्पीड पे चलाएं, खाम खा का ख़तरा मोल नहीं लें, जल्दबाजी में नहीं पड़ें, मुनासिब स्पीड पे मेहना रवि से मोटरसाइकिल चलाएं ताकि आप स्किड आपकी मोटरसाइकिल ना हो जाए और आप स्लिप होके बुरे तरीके से गिर ना जाए। सुबह के बाद खासतौर पर जैसे आप लोग जॉब्स पर जा रहे होते हैं तो उस वक्त सबको जो है वो या बच्चे स्कूल्स में जा रहे होते हैं तो कार्स मोस्टली बहुत फास्ट होती हैं, तो 60 की स्पीड पे रखें जो एक स्पीड लिमिट है आपकी विद इन द सिटी। 60 की स्पीड लिमिट बड़ी मुनासिब है, बहुत मुनासिब है, क्योंकि उसमें आपकी गाड़ी कंट्रोल रहती है, कंट्रोल स्पीड में रहती है। अगर आपको ब्रेक्स लगानी पड़े या एब्रप्ट अचानक ब्रेक्स लगानी पड़े तो वो भी आपकी मैनेजेबल होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं। इसलिए स्पीड को मुनासिब रखिए। अगरचे मेरी वो कोटेशन है, स्पीड इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। Speed is the spice of life. लेकिन sensibly चीजों को manage करें। पहले भी मैंने बात की थी, life is all about management. कार को कैसे manage करना है, घर को कैसे manage करना है, office में कैसे manage करना है, jobs में कैसे manage करना है, बच्चों को कैसे manage करना है। खास तौर पे अभी बच्चों पे मैंने बंशाला बहुत वीडियोस बनानी है, तो बच्चों की ग्रूमिंग आपने कैसे करनी है, अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, परवरिश कैसे करनी है, जिससे बच्चा जो है आपका खुद ब खुद इंशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से वो उसकी तरबियत होगी। तो अपना ख्याल रखिए, मोटरसाइकिल को दरमियाना स्पीड पर चलाइए, खासतौर पर बारिश जब हल्की हो रही थी तो रोड्स बड़ी स्लिपरी हो जाती हैं, और जब तेज़ बारिश हो रही है तो उस वक्त वैसे बहुत सिलसिला जो है जो विंडशील्ड्स पे गाड़ियों की विंडस्क्रीन्स पे वो विजिबिलिटी लो होती है, अगरचे अपने जो है वो डिफॉगर्स भी ऑन किए होते हैं, वाइपर्स भी चल रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफा गाड़ी में नहीं पता चलता, ये ध्यान रखें। तो मोटरसाइकिलिस्ट खुद भी ध्यान रखें, कार्स वाले जो कार ड्राइवर्स हैं वो भी ध्यान रखें, लेकिन बाज़ दफा गाड़ी में अचानक नहीं नज़र आता, नहीं पता लगता कि आसपास मोटरसाइकिल जब तेज़ बारिश हो रही होती है। तो दोनों सूरतों में, हल्की बारिश में या तेज़ बारिश में, स्पीड गाड़ी की और मोटरसाइकिल की खास तौर पे, और हेलमेट के बगैर बिल्कुल मोटरसाइकिल आपने नहीं चलानी, ये हम आपकी और दूसरे शख्स की दोनों की इसमें सेफ्टी, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स में, कुछ वाकयात में हमारे जानने वालों में बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत अफसरदा किस्म के वाकयात हुए कि वो साहब मोटरसाइकिल से स्लिप हुए और गिरे और उनका सर लगा जाके फुटपाथ पे और वो बेचारे कोमा में चले गए, एंड ही वॉज इन कोमा कई साल तक, फिर वो इस तरह से अल्लाह के पास चले गए। तो ये बड़ा बहुत ध्यान रखिए, बी वेरी केयरफुल, खासतौर पे जब कार ड्राइव कर रहे हैं। मैं आपको पता है जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ कार में, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा टाइम ही नहीं होता, कंटिन्यूस मेरी क्लासेज होती हैं पूरा दिन, तो सिर्फ ये टाइम होता है थोड़ा सा, वो भी मैं आपके लिए शौक व शौक से जो है वो वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि सबकी लर्निंग और ग्रूमिंग हो, पूरे पाकिस्तान की, पूरी वर्ल्ड की, जहाँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं, और एक अच्छा माशरा, एक अच्छी दुनिया ओवरऑल, और एक अच्छा पाकिस्तान जो है वो रूनमा हो, जलवा फरोज हो, और अच्छे तरीके से लोग एक अच्छी इंसानियत के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ, एक दूसरे के साथ, रवादारी के साथ, सलीके के साथ, डिसेंसी के साथ, मैनरिज्म के साथ, गुड मैनर्स के साथ, एटिकेट्स के साथ एक दूसरे से पेश आए और दुनिया को एक पीसफुल जगह बनाए। मैं हमेशा दो चीज़ों पे बात करता हूँ, पीस हमेशा होना चाहिए, पीस ऑफ बॉडी और पीस ऑफ माइंड, ये दो चीज़ें ही जिंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट। तो कार को जो है वो बात चल रही थी कार ड्राइविंग की, बारिश में और ड्रिजलिंग में जब कम हल्की बारिश हो रही होती है तो कार्स को, मोटरसाइकिलिस्ट को, मोटरसाइकिल्स को मुनासिब स्पीड पर चलाएँ, और बस दफा गाड़ी में जो स्प्लैश करके जब तेज़ बारिश होती है तो पानी सारा फैला होता है तो उसके जो छींटे पड़ते हैं मोटरसाइकिलिस्ट पे तो वो भी बहुत ही गैर इखलाकी किस्म की बात है, तो कम स्पीड पे चलानी चाहिए। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे,
और बहुत वीडियोस मैंने बना के लिख के रखी हुई हैं, स्लोली एंड स्टेडली मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।